अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट फ़हीम खान और आप देख रहे हैं सैटेलाइट सेंटर यूट्यूब चैनल। तो आज की डेट सेटिंग की है अदर स्पेस 46 डिग्री ईस्ट सैटेलाइट, जिसे अफ्रीका सेट भी कहा जाता है। तो इस सैटेलाइट को रिसीव करने के लिए मैंने 5 फीट डिश यूज़ की है। तो आज देखते हैं कि 5 फीट डिश पर हमारे पास इस सैटेलाइट के कितने चैनल रिसीव होते हैं। तो इस सैटेलाइट पर भी कुछ रशियन चैनल्स और अजरबैजान के चैनल फ्री टू एयर चल रहे हैं। तो सोचा कि आज आपको इस सैटेलाइट की लेटेस्ट अपडेट देते हैं। तो ये देख लें जी, 5 फीट डिश है मेरी। तो आज देखते हैं कि हमें हमारे पास 5 फीट पर इस सैटेलाइट के कितने चैनल रिसीव होते हैं। तो डिश साइज़ इस सैटेलाइट के लिए जो पाकिस्तान में है वो है 6, आपके पास 6 फीट से 6 फीट डिश होना चाहिए, या अगर 5.5 फीट डिश है तो आप 5.5 फीट डिश पर भी इस सैटेलाइट को रिसीव कर सकते हैं। तो ये सैटेलाइट थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अब आपको पता है कि वेदर चेंजिंग है, तो आपको पता है कि हर सैटेलाइट के सिग्नल स्ट्रांग हो गए हैं। तो ये 5 फीट पर आप पाकिस्तान में रिसीव हो रही है, वरना ये सिंध में सैटेलाइट थोड़ी सी मुश्किल है। तो सिंध में आपको 6 से 7 फीट डिश का इंतखाब करना पड़ेगा, तो फिर आप इस सैटेलाइट को रिसीव कर सकते हैं। तो इस सैटेलाइट की जो आसान फ्रिक्वेंसी है वो है 11,171 वाली। तो इसकी मैं आपको कुछ डिश सेटिंग दिखा देता हूं। तो इस तरफ यहां पर आपकी आती है तुर्क सेट 42 डिग्री ईस्ट, और यहां पर आपको आती है अदर स्पेस 46 डिग्री ईस्ट। तो ये अब आप पाकिस्तान में 5.5 फीट डिश या 6 फीट डिश यूज़ करके रिसीव कर सकते हैं। तो 5 फीट पर यूँ कह लें कि ज़्यादा चैनल तो रिसीव नहीं होते, वैसे तो कम चैनल हैं सैटेलाइट पर। तो फुल चैनल लिस्ट हासिल करने के लिए आपने 6 फीट डिश यूज़ करना है। तो इसकी आपको मैं कुछ सेटिंग वगैरह दिखा देता हूँ किस तरह सेट करनी है। तो ये जी LNB पोजीशन देख लें, ये सेम जिस तरह पाक सेट के लिए सेट करते हैं। तो थोड़ी सी आपको टेढ़ी करनी पड़ेगी ऊपर LNB। तो ये ब्लैक अल्ट्रा LNB है, ये फीड आन यूज़ किया है। तो आज देखते हैं कि 5 फीट पर हमारे पास इस सैटेलाइट के कितने चैनल रिसीव होते हैं। तो रशियन चैनल्स इस सैटेलाइट पर भी फ्री टू एयर चल रहे हैं, कुछ मूवीज़ के भी हैं। तो ठीक है जी, अब हम टीवी की तरफ चलते हैं। तो वहीं पर आपको 46 डिग्री ईस्ट के लेटेस्ट चैनल लिस्ट चेक करवाते हैं, जितने के हमारे पास 6 फीट 5 फीट डिश पर रिसीव हुए हैं। ठीक है जी, आज टीवी की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो टीवी की तरफ आ गए हैं। तो ये देख लें, चैनल चल रहा है अजरबैजान टीवी के नाम से एक चैनल है। तो ये कुछ फ्री चैनल हैं, और कुछ जो स्क्रम्बल चैनल हैं वो बेस की बात चल रहे हैं। तो ये सिग्नल क्वालिटी 52-57 तक जा रही है। ये फिर कौन सी 11,171 में है, और उसके बाद ये टोटल चैनल देख लें, ये 11 चैनल मेरे पास 5 फीट डिश पर रिसीव हुए हैं। क्योंकि ये सैटेलाइट थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है मुकम्मल चैनल लिस्ट रिसीव करने के लिए, आपको डिश साइज 6 फीट डिश यूज़ करना पड़ेगा। तो ये चैनल है 4 तुर्क बेलबोट के नाम से, ये म्यूज़िक का है। तो ये 4 तुर्क म्यूज़िक, ये फिर से दूसरा चैनल है। उसके बाद ये एक्जीज़र TV, ये अजरबैजान की यूँ कह लें ये सैटेलाइट है। तो ये 8 TV अजरबैजान के नाम से एक चैनल है। बाकी जो कुछ मूवीज़ वाली फ्रिक्वेंसी थी वो आई थिंक रिसीव नहीं हुई वो, क्योंकि 6 फीट डिश पे रिसीव होती है। तो ये Crown TV के नाम एक चैनल है। तो उसके बाद ये MTV अजरबैजान, तो उसके बाद ये चैनल है मैदनियात TV, ये बेस की पर चल रहा है, ये है सक्रम्बल लेकिन बेस की पर चल रहा है। तो ये फुटबॉल का चैनल है, यहाँ पर आप फुटबॉल भी देख सकते हैं जो शौकीन हजरात हैं। ये CBC अजरबैजान के नाम से एक चैनल है। हाँ जी, ये देख लें। तो ये जी चैनल यहाँ सब फ्री टू एयर चल रहे हैं। ये कुछ अजरबैजान के चैनल हैं और कुछ रशियन चैनल हैं। तो ये अजरबैजान नाम से एक चैनल है। तो ठीक है जी, ये FZ TV फिर से वही चैनल। बाकी जो मैंने आपको बताया है कि जो मूवीज़ वाली फ्रिक्वेंसी है वो रिसीव नहीं होती, वो 6 फीट पे रिसीव होती है। तो ये बाकी
11 चैनल 5 फीट पे रिसीव हुए, लोकेशन पंजाब डेरा गाजी खान। तो ये बाकी आपको इस सेटेलाइट की जो आसान फ्रिक्वेंसी है वो बता देता हूँ। आसान फ्रिक्वेंसी यह है 11,171, हॉरिजॉन्टल में 27,500। तो ये जी ये थी जी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के बारे में कमेंट भी छोड़ दें कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। तो ठीक है जी, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो को आपने लाजमी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है।